फाइनली जिस चीज़ का हम लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, जिस लड़के का हम लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, वो आ गया है। एक काम करने गए थे, दूसरा भी हो ही रहा है, तो वो भी देख ही लेंगे। आई वॉज वेरी कीन टू यू नो विजिट दिस काइंड ऑफ थिंग। जोरदार म्यूजिक। अरे पगली, ना कोई परी चाहिए ना कोई मिस वर्ल्ड चाहिए। अरे ना कोई परी चाहिए ना कोई मिस वर्ल्ड चाहिए, मुझे तो पगली तेरी जैसी दिल में बसने वाली सिंपल क्वीन चाहिए। स्मार्ट तो मैं बचपन से ही हूँ पगली, अगर चेहरे पर रुमाल भी लगा लूँ तो लोग मुझे मेरी हेयर स्टाइल से पहचान लेते हैं। नमस्कार देवी जनो, स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड में। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट गौरव साहू, और वी हैव मेट एट अ कॉमन पॉइंट। राहुल भी आ चुके हैं, एज यू कैन सी। आई एग्री राहुल। और क्या है कि हम लोग दो लोग एक कार में हैं और दो लोग दूसरे कार में हैं, सो लेट मी गिव यू द कॉन्टेक्स्ट। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं गुहागर के लिए, बट हमारा जो मेन गोल है इज टू गेट अल्फांसो मैंगो फ्रॉम देवगढ़। एक बंदा जाएगा वहाँ से आम कलेक्ट करेगा, हम लोग गुहागर घूमेंगे, वहाँ के नज़ारों के मजे लेंगे, वो शाम तक आम लेके आएगा और हम लोग भर भर के राहुल की गाड़ी में भर भर के आम जो है पैक करके शाम को और कल जो है वहाँ से वापस आएंगे। हाँ भाई लोकेश, कैसा है? Enjoying bro. Enjoying? मजा आ रहा है? We just took a pit stop at a petrol pump because राहुल को गाड़ी fuel up करानी थी। अभी तो क्या 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 कह रहे? घाट में ज्यादा आवाज नहीं निकलती भाई, मेरी बहुत वो होती है। So in the interest of time, we have decided कि जब तक लोकेश जो है अपना CNG refuel करा रहा है, हम लोग आगे चलते रहेंगे और he will catch up later, because CNG में इतनी लंबी लाइन है और हम लोग का यूजलेसली वेट करना ज़रूरी नहीं है वहाँ पर। अब यहाँ से राहुल सरपट सरपट गाड़ी चलाएंगे और सुर से हम लोगों को वेन्यू पे पहुँचा देंगे। लेकिन आराम से चलिएगा राहुल, अब उनको बहुत डर लगता है। ओके गूगल, तो स्ट्रगल ये है कि हमको सुनना है भोजपुरी सॉन्ग लगावे लू लिपस्टिक, और यहाँ का ओके गूगल जो है उसको पहचान नहीं पा रहा है। लगावे लू लिपस्टिक। इतने स्ट्रगल के बाद फाइनली फोन से ही बजाना पड़ा। हाय हिलपा कैसन कढ़ाई के भीतर से देता दिखाई। तो समझ में आ रहा है हा? आपको अश्लील तो नहीं लग रहा है ये? हाई हाई। बाडी पे कहिल बा ऐसन कढ़ाई, कपड़ा के भीतर से देता दिखाई। बाडी पे कहिल बा ऐसन कढ़ाई, कपड़ा के। सो वी जस्ट टुक अ पिट स्टॉप बिफोर चिपलून और यहाँ पर एक स्टॉल पे आए हैं। नींबू पानी पियेंगे, आमरस थोड़ा सा पिया जाएगा और उसके बाद आधा घंटा कम से कम हमें लग रहा है लोकेश का वेट होगा, उसके बाद दोनों साथ में निकलेंगे। और यहाँ पर आते ही जगह जगह आपको मैंगो सिरप का जूस ऐसे बना के, या तो नींबू पानी, और आम तो जब सब जगह एकदम भर भर के बिकते हुए दिखेगा। तो अपन लोग ने मस्त ठंडा ठंडा मैंगो जूस और नींबू पानी पिया, फक्ता 50 रुपए। तो हुआ यूँ है कि लोकेश भाई ने अपने निर्धारित, हम लोग ने जो स्थान निर्धारित किया था गूगल मैप्स पे, उसके भी वो 5 किलोमीटर आगे जा चुके हैं। तो अब हम लोग कर ये रहे हैं कि नाउ अगेन विल टेक अ टर्न एंड देन गो बैक टू हिज लोकेशन एंड होपफुली वो हम लोग को वहाँ मिल जाए सही जगह, बिकॉज ये हाईवे कंस्ट्रक्शन की वजह से इतना सारा कन्फ्यूजन हो
है, हम लोग ने थोड़ा पहले टर्न ले लिया था और उसको शायद ये टर्न दिखाना हो, दैट्स व्हाई ही इज वेटिंग फॉर टू ठीक है ब्रो, शाम को ढेर सारा आम लेके आना। यस ब्रो, ठीक है, विल बी वेटिंग। हां, पूरा कैलकुलेट किया मैं, पूरे 70 डजन आम आ रहे हैं। चलो चलो चलो, चलो हम लोगों ने अच्छा खासा जो है शॉर्टकट ढूंढ के रखा हुआ था, बट ऑल थैंक्स टू लोकेश भाई। अब ये जो है यू आर नॉट ड्राइविंग, अच्छा यू आर नॉट ड्राइविंग, देन आई जस्ट क्या, अरे आगे बोलो, आई जस्ट लेफ्ट द ड्राइविंग। अच्छा फाइनली आफ्टर 4.5 आवर्स वी हैव अराइव्ड एट आवर डेस्टिनेशन, और बस कॉटेज में अब चेक इन करना है। बड़ा ही सीनिक है। थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था करने और थोड़ा सा भ्रमण हल्का फुल्का, जगह देख लीजिए, स्पॉट कर लिया जाए कहाँ कहाँ घूमना है। दिस इज आर कॉटेज जहाँ पर हम लोग आज रात को रुकेंगे, क्वाइट सीनिक, क्वाइट ब्यूटिफुल, एंड दिस इज आर ब्यूटिफुल रूम जिसमें एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है और दो गद्दे नीचे, क्योंकि हम लोग 5 लोग यहाँ रात भर स्टे करेंगे। और रूम के साथ ही एक टीवी मिला हुआ है, एक छोटा सा टेबल, चेयर, और जस्ट एज वी एंटर्ड वी वर वेलकम विद दिस फ्रेश कोकम जूस। हेलो केश, पी ले पी ले, फ्री का है। और वाईफाई का पासवर्ड बता ना जरा। So we are heading towards the beach now. दिन में it was quite hot and sunny. तो खाना पीना खा के हम लोग बस पसर गए सोने के लिए। उठे हम लोग 5:30 के अराउंड एंड वी गॉट रेडी। और अभी क्या है, मौसम थोड़ा सा क्लाउडी भी हो रहा है और बीच में घूमने में मज़ा आएगा। और थोड़ा सा समुंदर में नहा के लोकेश को और नमकीन करेंगे जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था। क्यों लोकेश? So we are at the seashore now. बीच के एकदम नज़दीक। विल पार्क द कार हियर, सब लोग जो है समुंदर में नहा के मजे लेंगे। ओह वाओ, ये सही लग रहा है। एक काम करने गए थे, दूसरा भी हो ही रहा है तो वो भी देख ही लेंगे। आई वॉज वेरी कीन टू यू नो विजिट दिस काइंड ऑफ थिंग लाइक टर्टल फेस्टिवल, जो वो कछुए के बच्चों को जो है ना अंदर पानी में छोड़ते हैं। हर बार हम सोचते थे कि कोई ऐसे टाइम पे हम यहाँ पर ऐसी जगह विजिट करें जहाँ टर्टल फेस्टिवल चल रहा हो। तो फॉर्चुनेटली वी आर लकी एनफ कि आज ही हम लोग आए हैं और यहाँ पर टर्टल फेस्टिवल चल रहा था। और अभी लोकेश और राहुल जो हैं भी समुंदर में कूद चुके हैं छपाके मार मार के नहाने के लिए। लेट मी शो यू, ये देखिए, ये रहे ये दोनों, ये यहाँ दूर वहाँ पर छप 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 छप। लोकेश तो एकदम दूर से दिखाई दे रहा है अपनी कट काटी हुई है। अरे वाह, अरे वाह। I'm under the water, please save me. I'm under the water, please save me. I'm under the water, please save me. Oh. We'll be right back.
वी आर ऑल सेट नाउ। सीट का जो है बालू प्रूफिंग हम लोग ने कर दिया है, अब चल रहे हैं अपन लोग अपने स्टे की तरफ क्योंकि अब थक चुके हैं। हाँ, 7:30 थक चुके हैं। We are back again at our stay. अब जाएंगे हम लोग के साथ साथ नहाएंगे। सुबह 9 बजे। लोकेश, जोब जाला? Yes bro. मस्त। अभी भी घूम लीजिए, चाय पीजिए। जी जी। लीजिए। So it is next day in the morning and it's time for us to check out from this place now. सारा packing एकिंग सब done हो चुका है, पूरा room हम लोग ने clear कर दिया है। Now we are stepping out और एक और spot है जहाँ हम लोगों को visit करना है, that is on the way. तो उसकी details जो है अभी कार में बैठते बैठते बताते हैं। Next spot कौन सा राहुल? वेलनेश्वर टेम्पल। वेलनेश्वर टेम्पल ऑन द वे। तो वैसे तो वेलनेश्वर टेम्पल थोड़ी सी दूरी पे है, बट बिफोर दैट वी केम अक्रॉस दिस पॉइंट एंड जस्ट लुक एट द व्यू। ऐसा व्यू मैंने सच में कहीं नहीं देखा है। ए लोकेश, लोकेश, राजू वाला, राजू वाला लोग, लोकेश, राजू वाला, हाँ ऐसे वाला, ये वाला। तो as you can see, this is the panoramic view of that Guhagar beach, है ना? राहुल आप इसी पॉइंट की बात कर रहे थे ना कल? You were talking about this point only. तो कल रात को हमने ये पॉइंट मिस कर दिया था anyhow, because बहुत रात हो चुकी थी, अंधेरा बहुत ज़्यादा था। But this morning we have morning है तो afternoon थोड़ी देर में हो जाएगा। But this place is very scenic. This is really really nice. और मेरा फंबल हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मेरा हर वीडियो में फंबल क्यों हो जाता है कोई नहीं समझता। और लोकेश भाई मज़ा आ रहा है? कुछ हो गया यहाँ से? हाँ कुछ जाओगे? अरे यार गाड़ी जा सकती है लोग? नहीं नहीं नहीं, नहीं हमको गाड़ी से नहीं जाना, गाड़ी से हमको जाना ही नहीं है। तो अपनी साइट सीइंग हो गई है और वो पैनोरमिक व्यू वाला पॉइंट था वो भी अब कवर कर लिया। द नेक्स्ट स्टॉप वुड बी वेलनेश्वर टेम्पल। पाँच से दस मिनट में हम लोग वेलनेश्वर टेम्पल पहुंचने वाले हैं। और दिस अ स्मॉल अपडेट, जो बंदा जो लड़का आम लेके आने वाला था ही इज़ स्टिल नॉट ऑन ट्रैक, तो उसको आने में भी 1.5 घंटे लगेंगे। सो विल बी गेटिंग अ मैंगो इन द इवनिंग। खट्टे ना। उतरा जाए तो हम लोग वेलनेश्वर टेम्पल पहुंच चुके हैं। इट्स नॉट दैट क्राउडेड एज ऑफ नाउ, मे बी बिकॉज इट्स संडे, बट राहुल ने ऐसा अपडेट दिया है कि अगर गुहागर आके वेलनेश्वर टेम्पल नहीं घूमा, मतलब गुहागर आना इज़ इन इनकम्प्लीट। सो दैट्स वाई इन ऑर्डर टू मेक आर ट्रिप कम्प्लीट वी आर हियर एट वेलनेश्वर टेम्पल। राहुल सजेशन वेलनेश्वर टेम्पल भी हम लोग ने अपने बकेट लिस्ट से चेकआउट कर दिया है। सो आर विजिट टू गुहागर इज कम्प्लीट नाउ। क्यों राहुल आप बोलेंगे ना कि विजिट कम्प्लीट है, जब भी कुछ पेंडिंग है सब डन। तो अब अपन लोग निकलेगा चिपलून की तरफ, राइट? सो वी आर फाइनली डन विद द आइटिनरी इन गुहागर। तो यहाँ का सारा स्पॉट और सारे बीचेज एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। And as I said earlier, will be heading towards Chiplun. Chiplun से हम लोग आम कलेक्ट करेंगे, उसके बाद will be heading towards Pune. तो यहाँ का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अब घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे, उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे, दिशा हरा कैमुन बोका
मोंटारे। So we just stopped at the outskirt of Chipluun और यहाँ पर we'll have some refreshment, खाना वाना खाएंगे and the next guy who is getting us mangoes, so we'll share this location with him और वो यहाँ पर आ जाएगा, जब तक वो आता है कुछ खाना पीना और पेट पूजा कर लीजिए। फाइनली जिस चीज़ का हम लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, जिस लड़के का हम लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, वो आ गया है और ढेर सारा आम लेके। भाई तुम आए हो कि आम लेके? एकदम ठंडा। आओ आओ, देखा आओ देखा। हाँ हाँ, वही तो मुझे देखना है, ये देखो भाई। ओहो, चाबी निकालो। आगे की सीट ब्रो। लोकेश एक दो आम अभी खा लिया जाएगा। ओह माय गॉड, पूरा पेटी ही पेटी भरा है भाई। पेटी और पैक क्या, एकदम ऊपर से नीचे तक पूरा पेटी पैक करके लाया। आगे भाई लोकेश, प्योर अल्फांसो। अल्फांसो इसी का तो हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे। फाइनली द मैंगो इज हियर एंड स्मेलिंग सो गुड। अब इसको वितरण किया जाएगा, बट उससे पहले इसकी टेस्टिंग की जाएगी। यहाँ पर खा के देखा जाएगा कि हाउ डज इट टेस्ट। कैटरीना कैफ वाले ऐड में आता है। ये देखो भाई। ओह वाओ, दिस इज नाइस ब्रो। ये तो दिस इज द अल्फांसो मैंगो, उसका फर्स्ट स्लाइस। आई एम गोइंग टू ट्राई इट नाउ। सब ऐसे अरे भाई, मेरे को ऐसे निकाल मेरा, मैं पकड़ खाने वाला था। खाना भी आ गया, बट आम इज लाइक एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इसने जो है जोखिम उठाया, हम लोग आराम कर रहे थे, इसने रात भर गाड़ी चलाई और देवगढ़ से मैंगो लेके आया अपने लिए। तो स्पेशल क्रेडिट गोज टू अभिजीत ब्रो। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट दिस गुडली। और जैसा कि भाई ने बोला है कि अंदर तक मीठा लगेगा, तो लेट्स ट्राई दिस। इज राइट, अंदर भी मिठाई है। So right now we are having the soul kadhi. It is very, you know, frequently used drink in Konkan area. Ab banta kaise? Acha, aapne explain karo kaise banta ye? This is made out of coconut milk aur kokum, kokum, garlic a bit of and ginger. Ginger. Aur andar jo hai halka halka garam kar dega ye. Lekin uske baad starting mein taste halka garam garam rahega, uske baad ye thanda karta hai. Okay. Kitna kharcha kiya? 555 rupees mein 5 लोगों का खाना हो गया। वही भर भर के पर पर्सन 111 रुपए। सो फाइनली वी आर ऑल सेट। आम भी खा लिया, आम अनलोड भी कर लिया, लंच भी हो गया। नाउ इट्स टाइम टू एन रूट टुवर्ड्स पुणे। लोगों ने अभी पुणे की दहलीज पे कदम रख दिया है एंड राहुल विल टेक लाइक 10 टू 15 और 20 मिनट्स टू ड्रॉप अस होम। आम अनलोड करेंगे और इसी के साथ आज का दिन, ये ट्रिप यहीं समाप्त होता है। बाय।